जब भी किशोरदा का बर्थडे होता है मैं अपने इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे पोस्ट करता हूँ एक गाना अपने फ्रेंड्स का जैम करते हुए और इस बार भी करने वाला हूँ, इस बार तो पूरा शो करने वाला हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट किशोरदास बर्थडे. इनफैक्ट किशोरदा का बर्थडे हम रोज सेलिब्रेट करते हैं कि रोज आप रेडियो पर उनके गाने सुनते हैं, तो हर एक दिन किशोरदा का बर्थडे हमारे हिसाब से. हाय, कैसे हो आप? अगर किशोरदा की बात करें तो हर मोमेंट के लिए उन्होंने गाने गाए हैं, चाहे वो सैड हो, हर महफिल के लिए भी गाने गाए. तो कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आपको याद रहता है और जब ऐसा टाइम आता है तो उनके गानों को आप याद करते हो? आई थिंक जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो आई थिंक दैट्स द सॉन्ग. बहुत ही नॉस्टैल्जिक भी है और उसका डीप मीनिंग भी है. आप जिंदगी कभी भी आप किसी भी उलझन से गुजर रहे होते हो तो आई थिंक यू लिसन टू दैट सॉन्ग, यू गेट द पर्सपेक्टिव राइट. किशोरदा एज यू सेड हर एक मूड के लिए उनका गाना होता है, चाहे आप मोटिवेटेड नहीं है या फिर आप रोमांटिक फील कर रहे हैं. आई थिंक ही इज अ लेजेंड. पहला गाना था जो मेरी वाइफ को गाया था मैंने जब डेट कर रहे थे सुखना लेक चंडीगढ़ में. तो काफी लोग भीड़ जमा हो गई थी कि यार इतना खुल के क्यों गा रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे खुल के नहीं आराम से गाना चाहिए, तो उससे मैं थोड़ा दबके गाता हूँ. दबके क्या गाते हो? नहीं, बस वही गाता हूँ क्योंकि वहाँ पे सुखना लेक में सब लोग इकट्ठे हो गए थे गाना गा रहे हैं लड़की के लिए, तो वो सीन हो गया था वहाँ पर. आई थिंक तब उस टाइम पर कैसेट्स आती थी, एवरग्रीन किशोर कुमार, बेस्ट ऑफ किशोर कुमार, ऐसे ऐसे कैसेट्स आती थी और काफ़ी ब्लैक एंड वाइट गाने मैंने पहली बार देखे थे जो हमारे टीवी पे भी आते थे, दूरदर्शन पे आया करते थे. आई थिंक चलती का नाम गाड़ी देखी थी मैंने, उनके गाने थे और एक लड़की भीगी भागी सी गाना था जो बहुत मधुबाला जी के साथ था उनका गाना, तो वो काफ़ी आई थिंक दैट वाज फर्स्ट सॉन्ग प्रॉब्ली आई हैड सीन ऑन टेलीविजन और सुना था जो गाना. मेरी दादी जो है वो गुरुद्वारा में गाया करती थी, शब्द गाती थी और माय डैड प्लेज रियली गुड फ्लूट, तो म्यूजिक हमारे खानदान में है काफी टाइम से. तो आई थिंक दादी और मेरे पापा जो है वो ज्यादा मुझे इंट्रोड्यूस कराते थे म्यूजिक से, चाहे वो गाने सुनाते थे या फिर फिल्म देखते थे, तो बहुत ही फिल्मी माहौल था हमारे घर में. इनफैक्ट ये पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर किशोर कुमार की बायोपिक बन रही है तो वो मुझे ही करनी चाहिए क्योंकि मैं गाता भी हूँ और उनके बारे में जानने का बहुत मुझे शौक़ है. मैं उनके किस्से सुनता रहता हूँ या फिर पढ़ता रहता हूँ उनके बारे में, उनके गाने बहुत सुनता रहता हूँ, तो आई थिंक मैं डिजर्व करता हूँ किशोर कुमार की बायोपिक करना. आई जस्ट पुट इट इन द यूनिवर्स राइट नाउ. या All the best to you. Thank you. And your brother is also coming in to three films. काफ़ी अच्छी बात है और उसकी भी फिल्म आ रही है, इसलिए हम उस सेम रिलीज डेट पर रिलीज नहीं करेंगे देखते हैं कब आएगा तो नहीं होना चाहिए, बट या बेस्ट ऑफ लक टू हिम, ही हैज हिज ओन जर्नी. And Raj is also very appreciative of you and your brother. Yeah. Raj Kumar. हाँ, तीनों भाई हैं, बहुत खुश हैं आप. तो अच्छा लगता है काम करके. अमर अकबर हैं तो नहीं. होनी चाहिए हम तीनों के साथ. सर डिटेल में बता के जाओ, ये शायद खबर हो जाए. क्या? ठीक है, कर लेंगे यार वो. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you guys.